मंडी के श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक अस्पताल के साथ ही मंगरोटो मैदान में भी कोरोना मरीजों के लिए फैब्रिकेटेड अस्पताल बनाया जा रहा है। ये जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। 80 बेड के इस अस्पताल में भी हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा रहेगी। इससे नेरचौक अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम होगा। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी जिला में कोरोना मामलों की टेस्टिंग में और तेजी लाई जाएगी। अब से जिला में कोरोना जांच के लिए रोजाना कम से कम 1000 सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की संख्या बढ़ाने के लिए सभी विकास खंडों को लक्ष्य दिए गए हैं। जोनल अस्पताल मंडी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला के सभी सिविल अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने और भी केंद्र स्थापित किए हैं। जिला में कुल 43 केंद्रों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आगे आकर कोरोना जांच करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि कोरोना जांच से रोग का जल्द पता लगने से समय रहते इलाज संभव है, जिससे बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। किसी में कोरोना के लक्षण हो तो भी छिपाए नहीं, न ही घर पर मनमर्जी से दवाएं खाएं, तुरंत अस्पताल में रैपिड टेस्ट करवा लें। इसकी रिपोर्ट 15 से 20 मिनट में आ जाती है। रोग का जल्दी पता लगने से समय पर उचित इलाज दे पाना संभव होगा, जिससे बहुमूल्य जीवन बचेंगे। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना लक्षण आने पर भी डॉक्टर की मदद लेने में देरी से स्थितियां बिगड़ रही हैं। अस्पताल में मरीजों के देरी से पहुंचने के कारण गंभीर मामलों में उन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाता है। जरूरी है कि डॉक्टरी मदद लेने में देरी ना करें। नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में लाए गए सैकड़ों बीमारों बुजुर्गों ने समय पर इलाज से कोरोना की जंग जीती है। उन्होंने कहा कि ये पाया गया है कि जिसने भी कोरोना संक्रमण के लक्षण आते ही तुरंत जांच करवाई और रोग का जल्द पता लगने से समय पर नेरचौक अस्पताल में जाकर इलाज करवाया है, वे सभी मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं।